गहलोत पायलट के झगड़े में महारानी शायद मोहरा बन गई है। महारानी अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र पर पैनी नजर बनाए हुए थी। जिस समय पायलट अनशन कर रहे थे, महारानी पायलट के अनशन वाले लाइव को देखकर अपने नाम लगे पोस्टर को निहार रही थी। शायद महारानी ये बात समझ ही नहीं पा रही होंगी कि यदि बात उनकी थी तो गहलोत को बीच में क्यों लाया गया। अगर पायलट को भ्रष्टाचार का आरोप लगाना ही था तो वो सीधे उन पर लगाते, लेकिन पायलट उनके साथ गहलोत को भी ले आए। सचिन पायलट जयपुर के शहीद स्मारक पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे। पायलट के इस अनशन पर लगभग सभी की नजरें थी, लेकिन इस अनशन पर महारानी भी अपनी पूरी नजर बनाए हुए थी। वसुंधरा राजे खुद पायलट के फेसबुक पेज पर अपने खिलाफ हो रहे धरने को लाइव देखती नजर आ रही थी। इसके साथ ही ओम माथुर भी इस धरने को देख रहे थे। पायलट के इस धरने पर लोगों की तो निगाहें थी ही, लेकिन महारानी को देखकर लोग हैरान हो गए। ऐसी ही एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें सचिन पायलट के फेसबुक पेज पर वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन की टैगलाइन के साथ लाइव चल रहा था, जिसे उनके हजारों समर्थक लाइव देख रहे थे। तभी अचानक वसुंधरा राजे भी इसी पेज पर लाइव वॉचिंग करते हुए नजर आई। सोशल मीडिया पर इस बात की काफी चर्चा हो रही है, लोग इसे लेकर मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि मैडम की भी पूरी नजर है, तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि मैडम को डर लग रहा है कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो उजागर होने वाला है, तो एक यूजर ने लिखा गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। रविवार को पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वसुंधरा गहलोत पर मिलीभगत का आरोप लगाया। पायलट के तीखे तेवर को देखकर उनके अनशन पर बीजेपी की भी निगाहें थी। खुद महारानी भी इस पर पल पल की अपडेट रख रही थी। यही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर भी वसुंधरा राजे के साथ धरने को लाइव देख रहे थे, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर सचिन पायलट के समर्थक इसे खूब वायरल कर रहे हैं। हालांकि वायरल फोटो की राजस्थान तक पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो फोटो वायरल हो रही है उसमें वसुंधरा राजे और ओम माथुर दोनों का अकाउंट वेरीफाई भी है और दोनों की फोटो भी वही लगी हुई है। ऐसे में अब सचिन पायलट के अनशन पर बीजेपी नेताओं का नजर रखना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।